बॉलीवुड अदाकारा कंगना रणौत वालों सिखां दे खिलाफ दिते जा रहे बार बार विवादित बयान दे उत्ते हुण सिख कौम का गुस्सा सातवें आसमान ते चलिया गया क्योंकि हुण बर्दाश्त की भी हद हो चुकी है। अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर मनजिंदर सिंह सिरसा एक सिखां दा वड्डा डेलीगेशन लैके मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचे ने जिथे उन्होंने कंगना रणौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। नाल ही उन्होंने यह गल भी कही है कि इस तों बाद असीं वधीक कमिश्नर ऑफ पुलिस के कोल भी जावांगे अते उस तों बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री दे नाल मुलाकात करके कंगना नूं गिरफ्तार करवाउण दी गल भी आखांगे। दूजे पासे नाल ही उन्होंने यह गल भी आखी है कि जेकर कंगना रणौत का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है तो उन्होंने इलाज क्यों नहीं करवाया जाता। पर इस बारी मनजिंदर सिंह सिरसा ने सख्त चेतावनी दी है कि हुण इह इस मामले नूं खत्म करके रहणगे। कंगना के जो विवादित बयान सिखां दे उत्ते वार वार आउंदे रहिंदे ने उह इह खत्म करवा के ही साह लैणगे। आओ देखदे हां एक बारी इह मामला। अज दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का डेलीगेशन साढ़े सरदार गुरदेव सिंह जी, बीबी रणजीत कौर जी, सरदार सरबजीत सिंह जी विरक साहब और दास और इतों की सारिया साड़िया लोकल सिनिया सारिया सिंह सभावान असी खार पुलिस स्टेशन इस वेले खड़े हाँ। असी मुकदमा दर्ज कराने वास्ते दिता है और इस तो बाद हूँ असी इतों के एडिशनल सीपी मिलकर और उस तो बाद एक बजे इतों के महाराष्ट्र के गृहमंत्री मिलेंगे और यकीनी बनावेंगे कि कंगना रणौत जी उसके खिलाफ अरैसट वारंट कढ़ाए जा उसको अरैसट किया जाए और उसका जे वो मानसिक तौर पर बीमार है तो उसको मैंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, जे जानबूझ के नफरत फैला रही है तो जेल च रखा जाए। लेकिन इस गल नूं इस केस नूं कंकलूजन तक लैके जाण वास्ते अज असी सारे इत्थे मुंबई खार पुलिस स्टेशन पहुंचे हाँ। मैं सारी संगत नूं और देश दे लोगों नूं जानकारी देना चाहुंदा है इस औरत ने बहुत बार बार कहण दे बावजूद भी अपने आप नूं नहीं बदलिया और जिस तरह इन्हें सिखां दे उत्ते बहुत वड्डा हमला किया है ये देश और दुनिया भर के सिखां दे मन के अंदर बहुत रोस और गुस्सा है। मैनूं उम्मीद है कि यह पुलिस स्टेशन के इंस्पैक्टर जिम्मे उन्होंने मैंने कहा है तुरंत मुकदमा दर्ज करके ते कंगना रणावत के खिलाफ अरैसट वारंट लैके तो उसको अरैसट करेंगे।